गर्मी का मौसम है तो इस गर्मी के सब की फेवरेट होंगी है आइसक्रीम। हर कोई आइसक्रीम का शौकीन है, पर तुहाड़ी आइसक्रीम चो जेकर इंसानी अंग निकल आवे तो फिर तुहाड़े ते की बीतेगी। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है। मुंबई के मलाड इलाके दे विच एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की, पर जदों वो आइसक्रीम आई तो वह उसनू खान लग्या, तो खाते खाते इस आइसक्रीम के कोन के विचों इंसान की निकली आई। इस तो बाद जो कुछ होया तुसीं आप ही सुनो। ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्ज़ाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुँचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुँह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी काट ले जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो काट ले इसका पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मैं मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, क्योंकि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी, मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था, मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का, मेरा टंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनेस फील हो रहा था मुझे, कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुँह, किसी ह्यूमन बींग का पीस ऐसे मेरे मुँह में चला गया। वो भी वो एक मैंने वो पैकेट पर देखा, एक मैंने पहले का था वो, और वो एक मैंने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस 8% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस अभी हो सकता है, कि वो अगर, बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है। मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा, मेरे ब्लड टेस्ट लेके कि सब कुछ ठीक है वो सब, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में सोचता भी हूँ तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे PTSD हो जाता है कि कैसे कैसे हो सकता है।